सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। फर्स्ट हाफ का स्कोर है 13-15, अमित कसेरू 15 और अभिषेक मैना 13 अंक, 2 अंकों की लीड है फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ की पहली रेड देते हुए अभिषेक मैना स्वयं जाते हुए बागडोर ये से ही संभाल रहे हैं दोस्तों। देखना होगा निर्णय कहाँ जाएगा क्योंकि मुकाबला काफी रोचक भरा है दोस्तों। इस मुकाबले में कहा नहीं जा सकता कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम यहां से बाहर का रास्ता तय करेगी। ये मुकाबला इन दोनों के खेल प्रदर्शन पर निर्भर करेगा जो कि हमारे हाथ में नहीं है। और नंबर ले आए दोस्तों, इसी के साथ सेकंड हाफ में खाता खोल लिया दोस्तों, चकमा दिया, नंबर लेके आए सनी जाडौल जो कि बेहद ही ताकतफुल पावरफुल रेडर है जो कि लगातार अपनी टीम के लिए अंक ला रहे हैं दोस्तों। ये अंक उनकी टीम के लिए और यहाँ पर नंबर ले गए दोस्तों। इसी के साथ दोनों ही टीमों का स्कोर हुआ सेकंड हाफ में 1-1। 2600 रुपए का नगद पुरस्कार जो खिलाड़ी झंडी उखाड़ के लाएगा और नगद 2600 रुपए अगले डगर के लिए। अभिषेक मैना अपनी टीम के लिए अंक लाने की कोशिश करते हुए छोटे छोटे स्टेप देते हुए डिफेंडरों को छकाया और डिफेंडरों से थोड़ी गुफ्तगू की और सोचा कि भाई नंबर हमें आराम से दे दो, मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा थोड़ी सी तो कर लो भैया, और इसी के साथ थोड़ी जुगलबंदी हुई दोनों ही रेडर और डिफेंडरों के बीच। और अभिषेक भाई ने कहा चलो भैया हम तो नंबर ले ही जाएंगे। इसी के साथ सनी जाडौल ने कहा भाई हम भी नंबर लेके आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मुकाबला भाई बहुत ही रोचक चल रहा है, 2 अंकों पर है भाई। सेकंड हाफ में 2 अंक हो चुके हैं और 1 अंक पे है सनी जाडौल वाली टीम यानी अमित कसेर वाली टीम। और नंबर ले गए दोस्तों, मेरे पास 5 एक मैना ने कहा हम भी आएंगे थोड़ा से, हम अपनी टीम के लिए हम भी लेके आएंगे क्योंकि हमको जीतना है भाई टूर्नामेंट। इसी के साथ थोड़ी जुगलबंदी करते हुए छोटे छोटे कदमों को स्टेप में बड़े बड़े कदम करते हुए और कुछ मामला गर्मा है और मुकाबला और यहाँ पर शिकंजा कस लिया गया अमित कसेरू के डिफेंडरों ने के साथ और हुए करते हुए उसके बाद 3 अंकों पर हो चुकी है। लेकिन कसेरू सेकंड हाफ में दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको फुल स्कोर 18-15 अंकों की लीड है भाई अमित कसेरू की, अभिषेक मैना के ऊपर 3 अंकों की लीड है दोस्तों 18-15। बहुत ही बढ़िया, पकड़ हो गई दोस्तों। जैसा कि देखा आपने बहुत ही जबरदस्त मुकाबला और यहाँ पर देखने लायक है मौसम क्योंकि रात्रि के बज गए हैं 2। इसी के साथ स्कोर की बात की जाए तो 16-18 भाई 16 अभिषेक मैना और 18 अमित कसेरू। बहुत बढ़िया, कहीं पे निगाह नहीं, कहीं पे निशाना था अभिषेक का। बिल्कुल सही, टोटल की कोशिश बढ़िया थी और अब चैन को तोड़ने की कोशिश की गई। पानी का पानी हो गया, वो यंग नहीं था, बिस्सल बस चुकी थी इसलिए कोई यंग नहीं दिया। अभी भी 18 और जिनको मेरी तरह कम ने मारा होगा 16, 2 अंकों का अभी अंतर है अमित कसेरू और अभिषेक मैना। मैना 2 अंक पीछे है जबकि अमित कसेरू 2 अंक आगे है। पूरे मुकाबले की बात हो रही है दोस्तों, आपस में तालमेल ले गए। ये तो हमें ध्यान से
और दूसरे हाफ में इसको नितिन कसीरू 4 और शेख मेहरा 3। जो टीम हारेगी उसकी विदाई यही होगी। 3 अंकों की बढ़ोतरी है भाई अमित कसीर के पास दोस्तों, मुकाबला वो अगले राउंड में पहुंच जाएगी। नंबर ले गए दोस्तों रेड के साथ, इसको 4 अंकों का स्कोर है दोनों ही टीमों को सेकंड हाफ में भाई, जबकि फर्स्ट हाफ में 2 अंकों की बढ़ोतरी थी। मामला दूसरे और चढ़ती रेड है भाई, लेकिन पहले यानी कि लास्ट रेड जो लास्ट होगी वो 2 अंकों से पीछे थी। पॉइंट पहुंचा नितिन कश्यप। सन्नी जो है वो शेर का बच्चा है, हार मानने को तैयार नहीं, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही मुश्किल हरा। लो भाई सन्नी जरूर के लिए हरी 100 रुपए और, तो इस तरह से देखना होगा निर्णय बाकी 1 पॉइंट। अपनी कड़ी मेहनत के साथ एक छोर से है स्कोर है भाई 20 और सन्नी जाधव समाप्त कर दिया भाई। और यहाँ पर पकड़ कर ली गई है भाई, सनी भाई की पकड़ हो गई, मुकाबले में ट्विस्ट आ गया दोस्तों, पकड़ यहाँ पर कंफर्म कर दी है, कंफर्म कर दी है रेफरी साहब ने, गुड डिसीजन। और मैच जो कि 20 और 19 एक अंकों की लीड है मात्र, अगर अमित कसेरू ये पकड़ कर लेते हैं तो एक अंक की बढ़ोतरी हो जाएगी, अगर वो लेके आते हैं अमित अभिषेक मेहरा लेके आ जाते हैं नंबर तो लीड हो जाएगी बराबर और मुकाबला हो जाएगा रिस्टार्ट। और मुझे लग रहा है कि अंक आएगा मुकाबला आए दोस्तों, मैच की समाप्ति के बाद ये 100 रुपए ले लेंगे। दोस्तों अभी और स्कोर है 6-5, लीड रह गई है मात्र, ये दूसरे हाफ का स्कोर है 6-5। 19 और 20 स्कोर है भाई 19 और 20, पहले 15 मिनट मैना की टीम 2 पॉइंटों से पीछे थी, दूसरे 15 मिनट में देखते हैं कौन आगे निकलेगा। भैया यूट्यूब करवा ले भैया कार से बना ले, नंबर ले गए भाई, भाई तैयार हो जाओ एक बार फिर इस महाभारत को जीतने के लिए। पिल्ले आ गए भाई, अब ये भी बहुत ही जबरदस्त रेडर है भाई, हमारी ईमानदारी से ले गए भाई ये टर्निंग में उसका मेरे हिसाब से फाइनल के करीब पहुंचना तय है। वैसे तो कई रास्ते आएंगे टेढ़े मेढ़े, लेकिन ये मैच, इस मैच की जीत आपको पहुंचा देगी शिखर पे। ये मैच सबसे बड़ी बाधा है, नंबर ले गए भाई, बहुत ही बढ़िया 22 अंक है भाई, 2 अंक की लीड हो गई भाई, फिर भी अमित भाई से नंबर ले गए दोस्तों। 21 और 22 का स्कोर है भाई, 21 और 5 मिनट का शेष रहेगा भाई, लास्ट 5 मिनट वो इन स्कोर 1 अंक की लीड है भाई, पूरे मुकाबले में 1 अंक की बढ़ोतरी के साथ अमित कसीरू आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्ट हो चुका है, जो विवाद था 2 अंकों का वो विवाद 1 अंक पर जाकर सिमट गया है,
और मैं बता दूं मुकाबला 23 और 21 का है। डेढ़ मैच का समय खराब हो गया, 23 और 21 पूरा हो जाता है। 23 अंकों पर है अमित कसेरू, सबके सतेंद्र राणा 21 अंकों पर है अभिषेक मेना, अभी भी तो दो नंबरों की लीड है और 4.5 मिनट बची है गेम में। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है दोस्तों। अभिषेक मेना रेड देते हुए भाई दोस्तों, मुकाबला 4.5 मिनट का बचा है, इस रेड को इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर 4 रह जाएंगी। अभिषेक मेना मुकाबला बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच गया है दोस्तों। इस बार इनका चयन नहीं हुआ लेकिन बहुत ही बेहतरीन। और यहां पर कैच कर लिए गए भाई, मुकाबले में और रोचकता बढ़ गई दोस्तों। कबड्डी में 4 बजे भाई, सिर्फ 4 मिनट, 23 और 21 का अंतर है भाई, 3 अंकों पर निकल गया भाई। 4 मिनट के बाद अगले मैच की दोनों टीम ग्राउंड के पास आ जाए। अभिषेक ने प्रो कबड्डी में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और इस क्षेत्र की ये बहुत ही बढ़िया खोज है। 24 और 21 अभिषेक रेड ओवर। 30 सेकंड की जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी थी लेकिन मैच की समाप्ति में अभी भी समय है सूरज को पश्चिम से निकालने का, इतिहास बदलने का। अभिषेक के पास पकड़ हो गई दोस्तों, मुकाबले में भी पकड़ हो गई है, मुकाबले में पकड़ बना लिया अभिषेक मेना ने, सॉरी अमित कसेरू ने। लास्ट 3 मिनट्स टू गो, अब 3 मिनट दिस मैच, 3 मिनट्स, 5 मिनट, 5 नंबरों की लीड आ गई है भाई। अब मेना मेना के 25 और 21 का जबकि सनी मुकाबला है, अपना शिकंजा मजबूत कर लिया। मुकाबले की स्थिति कुछ शानदार रही है भाई, जबकि स्कोर अच्छा अमित कसेरू के लिए 4 अंक है भाई। मुजाहिद खान की तरफ से भाई, मुजाहिद खान की तरफ से अमित मुकाबले की फॉर्मेलिटी करते हुए खाली पुरस्कार है। ₹250 सीराज खान ठेकेदार की तरफ से सनी जारोल के लिए ₹250। इसका मतलब भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही सुनिश्चित सनी जारोल के लिए सीराज खान ठेकेदार की तरफ से ₹500 और यहाँ पे मेरा नंबर ले गए, नंबर ले गए इससे इस गेम में दो में से पहली सनी खुद जिम्मेदारी के साथ। अब मात्र रह गई है 25 और 22 तरीका ये 22 से काम लेना और 25 अभी भी 3 नंबरों की लीड है। अब पॉइंट लाना मायने नहीं रहता क्योंकि लीड बनी हुई है। अब इसका मतलब ये है कि अगर 2 नंबर भी लेके आ जाते हैं तो 25 और 24 हो जाएंगे, फिर भी 1 नंबर से यहाँ पर विनर हो जाएगी। ये फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है भाई, बहुत जरूरी है, मुकाबला जीत चुके हैं भाई, खतरे से खाली और नंबर ले गए भाई, इसी के साथ मुकाबला खत्म। अगली टीम बोलो बराबर, हाथ मिला लिया दोस्तों। अभिषेक मेहरा टूर्नामेंट से बाहर हो गई है भाई, अभिषेक मेहरा का यहाँ तक ही सफर था दोस्तों, इस सफर को यहीं पर खत्म करती हुई अभिषेक मेहरा अलविदा कह चुकी है टूर्नामेंट को दोस्तों।